हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे IUCN जो रेड डेटा बुक जारी करता है या रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, तो उसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ बात होगी कि उसमें कौन कौन सी बर्ड्स, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको दे देंगे, जैसे साइबेरियन क्रेन है, नाम से समझ में आ जाता कि कौन है ये, या फिर व्हाइट बेलीड हेरॉन है। अब आपको समझ नहीं आ रहा नाम से कि ये पशु है, पक्षी है, पौधा है, क्या है, तो पूछ लेंगे कि व्हाइट बेलीड हेरॉन IUCN की रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है। तो ये है, ऑप्शन दे देंगे, एक पक्षी, एक पशु, एक पौधा और कोई अन्य नाम दे देंगे कि मतलब एक जगह का नाम लिख देंगे कि एक जगह का नाम है। आपको ऑप्शन है तो क्या होगा, एक पक्षी है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये सारे नाम दे देंगे और नाम में पूछा जाता है कि ये IUCN की कौन सी लिस्ट में है। रेड डेटा लिस्ट में तो है ही है, रेड डेटा लिस्ट में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, या पूछ लेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 के तहत कौन सी अनुसूची में रखा गया है, या फिर UNCMS की अपेंडिक्स पूछ लेंगे, या साइट्स की अपेंडिक्स में पूछ लेंगे, यानी कि कौन से परसिस्ट में रखा गया है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स की बात करें तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR। हाँ, ये सिंबल वाले भी पूछते हैं कि CR का मतलब क्या है, तो CR का मतलब है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। किसका क्या मतलब है, इसका वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप चेक कर लेना। तो चलो बात करते हैं पहला व्हाइट बेलीड हेरॉन के बारे में। तो व्हाइट बेलीड हेरॉन एक पक्षी है और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत और म्यांमार की हिमालयी तलहटियों में, यानी कि पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय समझ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, पश्चिमी हिमालय, उत्तरी हिमालय, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का मतलब है ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और म्यांमार बांग्लादेश वाली साइट है, तो वहाँ, तो भारत और म्यांमार की हिमालयी तलहटी में, यानी कि पूर्वी हिमालय में पाया जाता है व्हाइट बेलीड हेरॉन, और IUCN की ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है, यानी कि CR श्रेणी में शामिल है। इसके अलावा बात करें तो साइबेरियन क्रेन की बात करें तो साइबेरियन क्रेन भी पक्षी, ये जितने हैं सारे पक्षी हैं, आपको याद रखना कि पक्षी है, पशु है, क्या है, तो यह भी IUCN की CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है, और ये पाए जाते हैं आर्कटिक टुंड्रा के क्षेत्र में। तो आपने पृथ्वी का ग्लोब सुना होगा, टुंड्रा टैगा वगैरह सुने होंगे, तो यहाँ पर टैगा होता है, टैगा के ऊपर यानी कि सबसे ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति और टुंड्रा जीव। तो सबसे ऊपर वाले ध्रुवीय प्रदेशों में या साइबेरियन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाते हैं साइबेरियन क्रेन, और ये प्रवासी पक्षियों के तौर पर भारत जैसे देशों में भी आते हैं, और ये IUCN की CR लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा बात करें व्हाइट रम्प्ड वल्चर के बारे में, तो इंडिया के गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं, IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। वल्चर सारे ही शेड्यूल 1 में मिलेंगे। इसके अलावा स्लेंडर बेल्ड वल्चर की बात करें तो सब हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब समझ रहे हो, म्यांमार के नीचे वाले थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। IUCN में यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में शामिल है। इसके बाद बात करें रेड हेडेड वल्चर के बारे में, तो रेड हेडेड वल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उप महाद्वीप और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में यह भी पाया जाता है। स्लेंडर बेल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर दोनों कहाँ पाए जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जबकि व्हाइट रम्प वल्चर ये पाया जा रहा है गंगा के मैदानों में भारत में, और स्लेंडर बेल्ड वल्चर IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में, रेड हेडेड वल्चर IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में इसको भी स्थान है, इसको भी स्थान है।
इसके बाद बात करें, इम्पॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है, बंगाल फ्लोरिकन, FLORICAN, बंगाल फ्लोरिकन, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, फिर से वही एरिया, कहाँ पर? उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया, वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र है। नहीं देखा ज्योग्राफी वाला वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाए जाते हैं। ये भी IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं, और UN कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज उसकी परसिस्ट वन यानी कि अपेंडिक्स वन में, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं UNCMS, तो UNCMS की अपेंडिक्स वन में पाया जाता है बंगाल फ्लोरिकन, फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है, ये भी एक पक्षी है। इसके बाद बात करें हिमालयन कोयल की, हिमालयन कोयल की, ये पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में और IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है जेर्डन्स कोर्सर, जेर्डन्स कोर्सर इंग्लिश में और प्रोनाउंस कर सकते हैं कई तरीके से, आप समझ गए ना, भावनाओं को समझ गए, बस जेर्डन्स कोर्सर, ये पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अलग अलग हैं, ठीक है, पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट में पाया जाता है जेर्डन्स कोर्सर, और ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची वन में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है पिंक हेडेड डक, तो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के दलदली भागों में पाया जाता है, IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची वन में रखा गया है पिंक हेडेड डक को। इसके अलावा बात करें 10वें नंबर पर, वो है सोशिएबल लैपविंग, ये भी एक पक्षी है, ये रसिया और कजाकिस्तान के घास क्षेत्रों में पाया जाता है, सोशिएबल लैपविंग और IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में। और पूछा जाएगा जो अभी आपके एग्जाम में, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्या है, सबसे पहले तो आप बात करें, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, तो आप बता देना कि ये तो एक पक्षी है, और ये पक्षी है तो IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची वन यानी कि शेड्यूल वन में है, साइट्स के अपेंडिक्स वन यानी कि परसिस्ट वन में है, और UNCMS के भी अपेंडिक्स वन में है। UNCMS का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसके भी अपेंडिक्स वन में है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में CR श्रेणी के मैमल्स के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में, इस तरह से धीरे धीरे करके सब कुछ IUCN की जो भी रेड डेटा लिस्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन बनते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।